हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग कुछ वर्ड करने वाले हैं जो मैरिज से रिलेटेड है। ठीक है, एक तो मैरिज जो ये वर्ड है, ये अपने आप में इसका स्पेलिंग मिस्टेक होता है। तो मैरिज वर्ड आप याद कर लो, इसका स्पेलिंग स्पेलिंग मिस्टेक में आता है, MARRIAGE होता है। बहुत लोग इसमें क्या करते हैं, ई लगा देते हैं, यहाँ पे रॉन्ग करते हैं, यहाँ पे या यहाँ पे ई लगा देते हैं मैरिज, क्योंकि उनको बोलने की आदत होती है मैरिज। तो यदि आपका प्रोनंसिएशन रॉन्ग होगा तो आप लिखे आपका जो स्पेलिंग होगा वो भी इनकरेक्ट होगा। चलिए, तो सबसे पहले आते हैं अडल्ट्री। देखिए, अडल्ट अडल्ट हम किसको कहते हैं, 18 ईयर से ऊपर होता है जो, तो अडल्ट्री करेगा वो। मीन्स अडल्ट्री का मीनिंग होता है, देखिए पहले क्या होता था, 18 प्लस से जो एवव होता था उसकी मैरिज हो जाती थी। ठीक है, लेकिन अब हमारे जो हमारा मॉडर्न लाइफ है इसमें तो ऐसा होता नहीं है। ठीक है, तो अब ऐसा होता है कि यदि उनके कोई कोई गर्लफ्रेंड है, किसी का बॉयफ्रेंड है, तो यदि किसी का मैरिज होने के बाद भी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हैं, तो उसे हम अडल्ट्री कहते हैं। ठीक है, तो इसे कहते हैं हम लोग एक्स्ट्रा मैरिटल। अडल्ट्री मीन्स एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा मैरिटल एक्स्ट्रा मैरिटल, इसमें देखो सिंगल आर आता है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है ना, कि मैरिज के बाद भी यदि आपके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हैं तो देन इट इज अडल्ट्री। अली मनी, अली अपनी वाइफ से अलग हुआ तो उसे मनी देना पड़ा। ठीक है, और देखो इसमें ई नहीं आता, इसका स्पेलिंग आया हुआ है, स्पेलिंग बहुत से स्टूडेंट इसको ऐसे लिखते हैं, एली मनी, मनी MONY है, यहाँ पे ई नहीं है। तो अली अपनी वाइफ से अलग हुआ, उसे पैसे देने पड़े। मींस यदि एक जनरली ये वेस्टर्न कल्चर में होता है कि जब हस्बैंड अपनी वाइफ को डाइवोर्स देता है तो उसे अपनी वाइफ को जो है एलिमनी पे करना पड़ता है, जिससे वो अपना लाइफ सस्टेन कर पाए, अपनी लाइफ चला पाए। तो एलिमनी क्या हो जाएगा फिर, एन अलाउंस पेड टू वाइफ ऑन डाइवोर्स, या ऐसे आप लिख लो मनी या अलाउंस, अलाउंस पेड बाय हस्बैंड टू हिज वाइफ आफ्टर डाइवोर्स, आफ्टर डाइवोर्स। ठीक है, बिगैमी, देखो कहीं भी वर्ड आ जाए, मोनो मोनो, मोनो का मीनिंग होता है वन, बाई का मीनिंग होता है टू, बाई या डाई दोनों का मीनिंग होता है टू, ट्राई का मीनिंग थ्री, टेट्रा का मीनिंग फोर, पेंटा का मीनिंग फाइव, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नैनो, डेक, इस तरह से नंबर चलते हैं। तो खैर यहां पे है बाई, बाई का मीनिंग टू। गैमी, कहीं भी वर्ड आ जाए गैमी या गैमस, गैमस है ना, तो इसका मीनिंग होता है मैरिज, मैरिज। ठीक है, तो गैमस का मीनिंग होता है मैरिज और बाई मीन्स टू, तो जिसके टू मैरिज हैं वो क्या है, बाई गैमी। तो हैविंग हैविंग टू वाइव्स, हैविंग टू वाइव वाइब्स। ठीक है, हैविंग टू वाइब्स है ना, उसे हम कहते हैं बाइगमी। तो टू हस्बैंड भी हो सकता है, और टू हस्बैंड मान लो किसी फीमेल ने दो मैरिज कर रखा है, हैविंग टू हस्बैंड हस्बैंड्स। ठीक है, नाउ सली बेसी, सली बेसी, देखो सली, सली मीन्स होता है वर्जिन, शुद्धता, ऐसा इंग्लिश में मानते हैं। तो सेलिबेसी का मीनिंग होगा जो हमेशा वर्जिन रहना चाहता है, वर्जिन वर्जिन, तो वर्जिन कौन रहना चाहता है, जो ब्रह्मचर्य का पालन करता है। तो सेलिबेसी का मीनिंग होता है अ स्टेट ऑफ अब्सटेंशन फ्रॉम मैरिज, जो मैरिज से हेट नहीं करता, मैरिज से जो हेट करता है वो दूसरा होता है, वो होता है मिसोगैमिस्ट, ये वो है जो मैरिज से नहीं करना चाहता। ठीक है, तो उसे हम कहते हैं सेलिबेसी, ब्रह्मचर्य, हिंदी में से कहते हैं ब्रह्म चर्य, ब्रह्मचर्य। ठीक है, वन हु
अब्स्टेन, अब्स्टेन, अब वन हो, अब्स्टेन, अब्स्टेन, सॉरी, अब्स्टेन फ्रॉम मैरिज, जो मैरिज से बच के रहना चाहता है। कॉन क्यूबिनेज, देखो कहीं भी वर्ड आता है ना, कॉन कॉम, इसका मीनिंग होता है टुगेदर, टुगेदर है ना। क्यूबिनेज, क्यूबिनेज कहते हैं घर को। तो जब एक साथ घर में रहते हैं, मींस जब एक बॉय और एक गर्ल बिना मैरिज के एक साथ घर में रहते हैं तो उसे हम कहते हैं कॉन क्यूबिनेज, मींस लिव इन रिलेशनशिप। जैसे हम लोग आम डे टू डे लाइफ में लिव इन रिलेशनशिप कहते हैं, तो इसका मीनिंग है लिव इन रिलेशन, है ना। तो बिना मैरिज के यदि आप कोई बॉय और गर्ल एक साथ रहते हैं तो उसे हम कहते हैं कॉन्क्यूबिनेज, कॉन मीन्स टुगेदर, क्यूबिनेज घर, है ना, तो एक साथ रहना। मिसोगैमिस्ट, देखो कहीं भी आपको वर्ड मिल जाए ना मिसो, इसका मीनिंग होता है हेट करना। जैसे मिस एंथ्रोप, मिस रहेगा तो हेट करना, मिस एंथ्रोप, मिसोजिनिस्ट, मिसोगैमिस्ट, मिस एंड्रिस्ट, ठीक है। और गैमस का मीनिंग होता है मैरिज, है ना। तो मिसोगैमस मीन्स क्या हो जाएगा, टू हेट मैरिज, ये मैरिज से हेट करता है, टू हेट मैरिज। कोई भी हो, ये मैन भी हो सकता है, वुमेन, वुमेन भी हो सकती है, टू हेट मैरिज, टू हेट मैरिज, ठीक है। मोनोगैमी, देखो आ गया, मोनो मीन्स सिंगल, वन, अभी बताया था मैंने यहां पे, आप देखो बाई के पास मोनो मीन्स एक होता है, मोनो का मीन्स वन, तो, और गैमस मीन्स मैरिज, तो वन हु हैज सिंगल हस्बैंड और सिंगल वाइफ, ठीक है, जिसका वन हस्बैंड हो या वन वाइफ हो, है ना, सिंगल हस्बैंड या वाइफ। तो जिसका एक ही मैरिज है वो कैसा है, मोनोगैमस। तो मोनोगैमी का मीनिंग होता है सिंगल हस्बैंड और वाइफ। चलिए नेक्स्ट वर्ड्स पे चलते हैं। पॉलीगैमी, देखो पॉली का मीनिंग होता है बहुत, मैनी, मैनी, इसी से बना पॉलीथीन, जो आप यूज करते हो पॉलीथीन, जो अब बैन हो चुका है। तो पॉली और गैमी, गैमस का मीनिंग क्या होता है, मैरिज, पॉलीगैमी मीन्स क्या हो जाएगा फिर, मैनी मैरिज एट अ टाइम, मैनी मैरिज। तो जिसके बहुत सारे हस्बैंड या बहुत सारी वाइफ हैं वो कैसा है, पॉलीगैमस। पॉली एंड्री, देखो पॉली का मीनिंग फिर से वही क्या हो जाएगा, मैनी, और एंड्रस, एंडर, ठीक है, एंडर, एंड्रिस्ट, एंडर मीन्स होता है मैन, यदि आप इसको याद रखना चाहो तो ऐसे रख सकते हो, पॉली एंड्री, एंडर, है ना। एंड्री, एंड्रस मेल होता है, आपने यदि 9th क्लास में पढ़ा होगा एंथर मेल पार्ट होता है ना, वैसे याद रख सकते हो। वैसे एंड्रस मीन्स होता है हमेशा, ये ग्रीक वर्ड है एंड्रस, एंड रस, एंड्रस मीन्स होता है मेल, है ना। तो आप ऐसे भी बहुत लोग याद रखते हैं कि जो अंडर पेंट पहनता है वो होता है मैन। तो पॉली एंड्री, पॉली एंड्री मीन्स जिसके बहुत सारे हस्बैंड हो, अ वुमन हु हैज मैनी हस्बैंड्स। तो कहीं भी एंडर लगा हुआ मिल जाए तो उसका क्या मीनिंग होगा, मेल, मैन। जैसे द्रौपदी है ना, उसके 5 हस्बैंड थे, तो अ मैन हु हैज मैनी, सॉरी, अ वुमन हु हैज मैनी हस्बैंड्स इज कॉल्ड पॉली एंड्रस, पॉली एंड्रस फीमेल है वो। स्पिंस्टर, स्पिंस्टर वो होते हैं जो सिंगल होते हैं, ठीक है, ठीक है, वो एक्चुअली सिंगल है, उन्होंने मैरिज नहीं किया है। इट मीन्स इट, देखो अब कहोगे तुम स्पिंस्टर और सेलिबेसी दोनों एक हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। देखो सेलिबेसी क्या होता है, जो जो वर्जिन रहना चाहता है, जो जो मैरिज से बच के रहता है ताकि उसे किसी भी तरह का फिजिकल रिलेशन ना नहीं बनाना चाहता। लेकिन स्पिंस्टर में क्या है कि ये सिंगल रहना चाहता है, मे बी ही हैज फिजिकल रिलेशंस, बट इसमें होगा क्या कि वो सिंगल रहना चाहता है, वो मैरिज नहीं करना चाहता, ठीक है। सो जनरली हम स्पिंस्टर
फीमेल के लिए यूज करते हैं, ये फीमेल के लिए होता है ना, और सेलिबेसी मेल के लिए होता है, ठीक है। तो स्पिंस्टर कह सकते हो आप, एन ओल्डर वुमन, एन ओल्डर वुमन, एन ओल्डर वुमन हु इज नॉट मैरिड, हु इज, ये वीमेन के लिए ही यूज होता है, वन एन ओल्डर वुमन हु इज नॉट मैरिड, ठीक है। गाइनेंड्रस, आपने शिवजी की एक मूर्ति देखी है जिसमें आधा एक तरफ मेल होता है, शिवजी होते हैं, और आधा फीमेल पार्वती माता होती हैं, है ना, आधा मेल आधा फीमेल। तो उसे देखो वही है यहां पे, गाइनी मतलब कहीं भी जिनी मिल जाए ना, जिनी वर्ड, जिनी इसका मतलब होता है फीमेल, तो फीमेल जिनी, और एंड्रस मीन्स मेल, तो जो आधा मेल हो आधा फीमेल हो उसे क्या कहेंगे, गाइनेंड्रस, हाफ मेल हाफ फीमेल, ठीक है, उसे हम कहते हैं गाइनेंड्रस। तो शिवजी को, शिवजी की जो ये मूर्ति आपने देखी है आधा मेल आधा फीमेल वाली, उसे हिंदी में कहते हैं अर्धनारेश्वर, है ना, वो क्या है, गाइनेंड्रस। ऐसे ही जो अर्थवॉर्म होते हैं, केचुआ, अर्थवॉर्म, अर्थवॉर्म देखो, अर्थवॉर्म से पहले क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया है कि इसे फ्रेंड ऑफ द फार्मर कहते हैं, क्योंकि ये मिट्टी में जाके उसमें क्या करता है, होल बनाता है, और जिसमें वाटर चला जाता है तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी मिट्टी की बढ़ती है, तो इसे इसीलिए अर्थवॉर्म को, केचुए को फ्रेंड ऑफ द फार्मर कहा जाता है। अच्छा, तो अर्थवॉर्म का भी आधा बॉडी, जैसे अर्थवॉर्म है तो उसका आधा बॉडी मेल का होता है और आधा बॉडी फीमेल का होता है ना, तो उसे गाइनेंड्रस भी कहते हैं, लेकिन इसे बायो के टर्म में कहते हैं हम लोग, बायोलॉजी में उसे कहा जाता है हर्माफ्रोडाइट, हर्माफ्रोडाइट, फ्रोडाइट, हर्माफ्रोडाइट, हर्माफ्रोडाइट वो होते हैं जिनका हाफ बॉडी मेल और हाफ बॉडी फीमेल होता है, लेकिन ये इंग्लिश का नहीं बायोलॉजिकल वर्ड है, साइंस का वर्ड है। आगे आ जाओ, पॉलीजिनी, देखो पॉली मींस क्या होगा, मैनी, जैसे यहां पॉली एंड्री था ना वैसे ही पॉलीजिनी, ये देखो पॉली एंड्री था ना नाइन्थ वाले में, मैनी मेल, ऐसे यहां पे मैनी फीमेल, जिनी का मीनिंग वुमन फीमेल, तो कोई जिसके बहुत सारे फीमेल हो, मतलब बहुत सारी वाइफ हो, है ना, हैविंग मैनी वाइव्स, ठीक है, उसे हम कहते हैं पॉली जिनी। तो हमने आज ये मैरिज रिलेटेड कुछ वर्ड्स देखा वर्ड लिस्ट 3 में, फिर हम लोग वर्ड लिस्ट 4 में ऐसे ही वर्ड्स डिस्कस करेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, और वर्ड लिस्ट 3 आप देखें।